इम्प्लांट्स अच्छे होते हैं या फिर ब्रिज अच्छे होते हैं? जैसे कि आपको मालूम होगा कि इम्प्लांट्स और ब्रिजेस क्यों जाना पड़ता है, जब आपके दांत में कहीं आपके मुंह में कोई सा भी दांत मिसिंग है, आपका वहां पे दांत नहीं है, या फिर सिर्फ और सिर्फ अक्कलदार जो विजडम टूथ होता है उसको आप छोड़ सकते हैं। अगर आपने वो दांत को निकलवाया है तो वहां पे आपको रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, पर अगर सेट के बीच में से कोई सा भी आपका दांत निकाला गया है तो वहां पे रिप्लेस कराना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो सेट के बीच से निकला है तो चांसेस हो जाता है थोड़े टाइम के बाद की जो दांत है उसके जो जहां से दांत निकाला गया है उसके ऑपोजिट टूथ या फिर उसके बाजू वाले जो दांत होते हैं वो शिफ्ट होने के चांसेस हो जाते हैं, या फिर उस गैप में जो ऑपोजिट टूथ है वो आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपको डिसएडवांटेज हो जाता है दांत निकालने का, पर जिस केस में हम दांत नहीं बचा सकते हैं उस केस में दांत निकालना ही जरूरी हो जाता है। तो आपको रिप्लेस जब कराना है तो इम्प्लांट सही है या फिर आपके जो ब्रिजेस आते हैं वो सही है? तो देखिए, दोनों ही अपने जगह पे सही है, इम्प्लांट भी सही है और ब्रिज भी सही है, दोनों के फायदे और कुछ नुकसान भी हैं। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इम्प्लांट सही है या फिर आपके मुंह में ब्रिज भी सही है या नहीं है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। मेरे जो वीडियोस हैं वो अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। तो चलते हैं हम वीडियो की ओर। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुल करण, आई एम डेंटिस्ट। स्वागत है टूथ नॉलेज चैनल। तो देखिए, अगर आपके मुंह में मिसिंग दांत है, मतलब कि आपका कहीं से दांत निकाला गया है, सेट के बीच में से आपका दांत निकाल दिया गया है, तो उस केस में आप क्या जाना चाहते हैं? इम्प्लांट जाना चाहते हैं, ब्रिज जाना चाहते हैं? दोनों के ही अपने अपने फायदे हैं और अपने अपने नुकसान भी हैं। देखिए, आप दोनों से ही हम तो अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो हम दोनों से ही मना करते हैं कोई सा भी हार्ड खाना खाने के लिए, जैसे चिक्की हो गया, या फिर बहुत लोग जो इम्प्लांट किए हुए दांत से बॉटल के कैप्स खोलते हैं या फिर सॉस के कैप्स खोलते हैं, तो ये नहीं, ये आपका दांत है, वेपन नहीं है, इसको वेपन की तरह इस्तेमाल ना करें, इंस्ट्रूमेंट्स की तरह इस्तेमाल ना करें, ये आपके दांत है, इसको सिर्फ और सिर्फ चबाने के लिए ही आप इस्तेमाल करें। पर हार्ड चीज जो है वो अवॉइड करें खाने के लिए, चिक्की हो गया या फिर आप च्युइंगम हो गया, तो ये सारी जो चीजें होती हैं, चिपचिपा चीजें जो होती हैं वो अवॉइड करना होता है, और जो भी हार्ड चीजें होती हैं वो अवॉइड करना होता है आपको आर्टिफिशियल टूथ से। अब आते हैं हम पहला ब्रिज की ओर, कि आपका अगर ब्रिज लगा हुआ है दांत में तो आपके क्या इसके फायदे हैं? तो पहला तो है कि आपका जो मिसिंग दांत है वो आपका रिप्लेस हो जाता है, फिर आपके जो ऑपोजिट टूथ है वो शिफ्ट होने का चांसेस कम हो जाता है, जो बाजू के जो दांत है वो भी शिफ्ट होने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। तो ये आपका एक फायदा हो जाता है कि आपका जो ब्रिज है, मिसिंग दांत, आप ब्रिज से रिप्लेस करा दिए। इसमें जो फाइनेंस होते हैं, जो कॉस्ट रहता है वो आपका कम रहता है, क्योंकि आपको हम सिर्फ केवल जो दांत है, बाजू के जो दांत है उसका सपोर्ट लेकर के हम उस पर ब्रिज डालते हैं, तो इसकी जो कॉस्ट रहती है वो मिनिमम एक दांत का जो रहता है वो आपको बेसिक कैप जो होते हैं, PFM कैप जो होते हैं, बेसिक कैप, वो अराउंड आपको 3.5, सिरेमिक कैप 3.5, 4 ऐसे भी रहते हैं, 5 भी कहीं कहीं पे रहते हैं, तो वो डिफर करता है क्लिनिक टू क्लिनिक एंड एरिया वाइज भी डिफर करता है कि आप, एंड यस, जो डॉक्टर्स रहते हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स जो रहते हैं, या फिर ये सारी जो फैक्टर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं, ये आपको एक कॉस्ट नहीं मिलेगा, आपको ये डिफर मिलेगा, एंड यस, आपको स्टेट वाइज भी डिफर होता है। तो ये आपका जो रहता है वो आपको कॉस्ट जो रहता है इसका कम रहता है, इसमें आपको जो ब्रिज रहता है आपका एक दांत रिप्लेस किया रहता है, तो वहां आपको एक दांत रिप्लेस करना है तो आपको वहां पे 3 दांत आते हैं, क्योंकि 2 दांत का आपका सपोर्ट लिया है। सपोज आपके जो एक दांत है वो मिस है, मतलब कि कहीं से निकाले गए हैं, तो उसके जो बाजू के दांत है उसका हम सपोर्ट लेते हैं, तो इस तरीके से हम 3 दांत वहां पे डालते हैं। 3 यूनिट रहते हैं, आर्टिफिशियल जो दांत होते हैं वो 3 यूनिट होते हैं, और आपको उससे रिप्लेस किया जाता है।
ये आपका जो है, मैंने इसके फायदे आपको बता दिए। नुकसान ये होता है कि आपका जहाँ पे मिसिंग दांत है वहां पे हम सिर्फ केवल ऊपर में आपको दांत देते हैं, नीचे वाला जो हड्डी रहता है वो वैसे का वैसे ही रहता है, हड्डी में कुछ भी नहीं रहता है। तो धीरे धीरे क्या होती है कि हड्डी जो वो स्टार्ट होती है श्रिंक होने के लिए, क्योंकि उसका कुछ यूज नहीं होता है तो वो श्रिंक हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि वहां पे रूट्स भी नहीं होते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है। इसलिए आपको दिखाई देता है कि जहाँ पे दांत है वहाँ पे आपकी जो हड्डी होती है वो काफी डेंस होती है, और जहाँ पे दांत नहीं है वहाँ की जो हड्डी होती है वो धीरे धीरे पतली हो जाती है। तो ये आपका एक डिसएडवांटेज है। अब हम आते हैं इम्प्लांट्स की ओर। तो देखिए, जो इम्प्लांट्स हैं वो उसके फायदे और नुकसान अलग हैं। इसके जो नुकसान, सबसे पहले कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो ये जो एक्सपेंसेस वाइज जो देखा जाए तो आपका जो ब्रिज है वो कम है, और जो इम्प्लांट्स है वो आपका जो रेंज है उसका काफ़ी हाई होता है, बिकॉज हम उसमें जो इम्प्लांट्स डालते हैं, जो हड्डी के अंदर डालते हैं, वो कम्प्लीटली टाइटेनियम का स्क्रू रहता है एंड ये रस्ट फ्री रहता है। तो इसलिए थोड़े जो इसके एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। एंड यस, ये भी आपका स्टेट वाइज, डॉक्टर वाइज एंड रीजन वाइज ये आपका जो चार्जेस है वो डिफर करता है, अलग अलग सबके चार्जेस रहेंगे, आपको एक चार्जेस नहीं मिलेगा। स्पेशली अगर आप स्टेट वाइज जाते हैं तो आपको जो चार्जेस है वो कम रहेंगे। एंड यस, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस वाइज भी आपका चार्जेस जो है वो डिफर करता है। एंड जब आपके इम्प्लांट्स आते हैं तो जहां पे आप मिसिंग दांत हैं और वहां पे अगर हम इम्प्लांट्स डालते हैं, तो जो इम्प्लांट्स हैं वो रूट एज अ दांत का जो जड़ होता है, रूट होता है, वो वैसे ही काम करता है। तो आपके इसमें सबसे पहला है कि फायदा कि आपके जो बाजू के जो दांत होते हैं, जहां से दांत निकाले गए हैं उसके जो बाजू के जो दांत होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होते हैं इसमें, और सिर्फ जहां से आपका दांत निकाला गया है सिर्फ वहीं पे ही आपका इम्प्लांट लगता है, और जो इम्प्लांट रहता है वो आपका रूट्स का ही काम करता है। तो वहां की जो हड्डी होती है वो पतली नहीं होती है और वो वैसे की वैसी ही डेंस रहती है। तो ये भी एक फायदा हो जाता है इम्प्लांट का। एंड प्लस उसके ऊपर जो कैप आता है वो आपको नॉर्मल, आप जो कैप की जो चॉइस होती है वो आपके ऊपर होती है, आप जो भी कैप में जाना चाहते हैं, जर्कोनिया कैप में जाना चाहते हैं, कैट कैप में जाना चाहते हैं, टी लाइट, या फिर अगर आप PFM कैप्स में जाते हैं, तो आपको ये जो चॉइसेस है वो आपकी है। पर जो इम्प्लांट्स रहते हैं या फिर आपके जो ब्रिज रहते हैं वो आपका वैरी करता है। एंड यस, आपको जो ट्रीटमेंट रहता है वो भी काफ़ी वैरी करता है। इम्प्लांट्स थोड़ा सा कॉस्टली भी हो जाता है। इम्प्लांट्स डायबिटिक पेशेंट जो रहते हैं उसमें भी हम डाल सकते हैं, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट रहते हैं उसमें भी डाल सकते हैं। आपको ट्रीटमेंट के वक्त पे आपका जो डायबिटीज लेवल है या फिर जो हाइपर, जो आपका BP लेवल है वो आपका अंडर कंट्रोल रहना चाहिए। अभी इनफैक्ट जो पायरिया के केसेस जो रहते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा पायरिया होता है, सीवियर पायरिया होता है, उस केस में भी हम इम्प्लांट्स डालते हैं। उस केस में जितने भी इन्फेक्टेड टूथ रहते हैं वो निकाल करके और फिर वहाँ पे हम इम्प्लांट्स डाल देते हैं। तो ये भी आपका एक सही ट्रीटमेंट रहता है। आप कभी भी इम्प्लांट और ब्रिज जो होता है वो आप नहीं खुद से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये रिमूवेबल नहीं है, ये आपका फिक्स्ड रहता है। एंड आपको जो इसके मेंटेनेंस रहता है वो वैसे ही आपको गम्स मसाज करनी होती है, आपको जो क्लीननेस है, ओरल हाइजीन जो होता है दांत का, वो बराबर अच्छे से क्लीन रहना चाहिए। तो आपका जो इम्प्लांट्स है प्लस आपका जो ब्रिज है वो काफ़ी टाइम तक टिकता है। यस, जिन्हें ब्रक्सिज्म है, जैसे कि दांत चबाने की आदत है या फिर नींद में दांत चबाते हैं, उस केस में थोड़ा इम्प्लांट्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। यस, इम्प्लांट्स के इसमें ब्रिज भी कॉम्प्रोमाइज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो पेशेंट अनकॉन्शियसली चबाते रहते हैं अपने दांत को, तो इम्प्लांट्स या फिर जो ब्रिज है वो हिलने का चांसेस हो जाता है। तो उस केस में हम पेशेंट को नाइट गार्ड देते हैं। नाइट गार्ड में वो रात में नाइट गार्ड पहन करके उन्हें सोना होता है, तो ये जो प्रॉब्लम होती है वो कुछ हद तक कम हो जाती है। तो ये डिफरेंस था आपका इम्प्लांट और आपके ब्रिज में। मुझे बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मेरे वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए। उन्हें भी बताइए कि इम्प्लांट्स और ब्रिज में क्या डिफरेंस है। Thank you for listening. Have a good day. Take care and bye.